आशा ऊषा सहयोगिनी संघ की प्रांतीय आह्वान पर समस्त जिलों ब्लॉकों में 1 जून से अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल की जा रही है। खंड इकाई मेहगांव जिला भिंड में चल रही हड़ताल के तीसरे दिन राज्य मंत्री और कोविड प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया पहुंचे और आशा व सहयोगियों से बात की। जब प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव द्वारा बताया गया कि सरकारी कर्मचारी से कार्य कराने के लिए 8 घंटे समय सीमा तय की गई है, लेकिन हम आशा व सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के कार्य की समय सीमा तय नहीं है। हमारी 6 सूत्री मांगों में नियमितीकरण की प्रमुख मांग के साथ वर्तमान कोविड की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा संसाधन, स्पष्ट प्रशिक्षण और महिला सुरक्षा की गारंटी के बिना हम महिला कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेज दिया गया है। हम महिलाएं कार्य करते हैं तो हमारे परिवार संक्रमित होने के भय में जी रहे हैं, जाने कब हमें क्या हो जाए। और सरकार ने हमारे मरने के बाद के लिए योजना बनाई है, लेकिन सम्मान के साथ जी सकें, भरण पोषण कर सकें, परिवार को चला सकें, इसके लिए सरकार नहीं सोच रही। समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए राज्य मंत्री ने स्थानीय समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए SDM और अस्पताल प्रबंधन को आदेश दिया तथा राज्य स्तर की समस्या के लिए मंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी टीम लगाकर इस मांग पत्र के आधार पर सरकार से बात करूंगा। खबर हर पल के लिए भिंड से पीयूष भरथरिया की खबर। हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भिंड जिले के और अन्य जिलों के भी ब्लॉक में इसी तरह से आशा कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं। हम सब लोगों की मांगे हैं कि सरकारी कर्मचारी से भी अधिक हम लोगों से काम लिया जाता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी का तो फिर भी एक टाइम फिक्स होता है, 8 से 10 घंटे वो काम करते हैं, मगर आशा कार्यकर्ता का, सहयोगी कार्यकर्ता का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। कोई भी विभाग आता है तो चलो आशा, कोई भी बात किसी की भी जानकारी लेनी है तो चलिए आशा। तो क्यों ना हमें सरकारी कर्मचारी ही घोषित कर दिया जाए, जब हम सरकारी कर्मचारी से अधिक काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए इतना काम करते हैं, कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। एक मजदूर यदि आपके यहाँ पर काम करता है तो आप भी उसे अकुशल श्रमिक और सकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखकर के उसको मजदूरी देते हैं, लेकिन हम लोग तो 2005 से प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक NGO का प्रशिक्षण प्राप्त करते आ रहे हैं। हम लोग कुशल सेवा स्वास्थ्य प्रदाता है, तो हमें कुशल श्रमिक की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, ये वर्तमान महामारी जो COVID-19 चल रहा है, इस दौरान हमने सर्वेक्षण का काम किया, हमने होम क्वारंटीन लोगों का फॉलोअप करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, यहाँ तक कि हमने लोगों की स्क्रीनिंग भी की। हॉस्पिटल में आने के बाद आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है तो आप उसके लिए दवाइयाँ करते हैं, सुरक्षा संसाधन अपनाते हैं, मगर हम लोग फील्ड में जाते हैं हमें पता नहीं ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये व्यक्ति कैसा है, हम उसके टच में रहते हैं और हमें कोई भी सुरक्षा संसाधन प्राप्त नहीं होते। ना सिर्फ इतना बल्कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों पर हमले भी होते हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जब भी COVID-19 ही नहीं बल्कि आने वाली किसी भी महामारी और किसी भी आपदा के समय हमसे काम करवाया जाए तो हम लोगों को सुरक्षा संसाधन प्रदान किए जाए, स्पष्ट प्रशिक्षण हो, निश्चित गाइडलाइन हो और महिला सुरक्षा की निश्चित गारंटी हो। चुनाव के समय शिवराज सिंह के सामने भी आपने मांग रखी थी जब भिंड में आए थे, क्या आश्वासन मिला था? सिर्फ आश्वासन ही है और वो कोरे आश्वासन है, आज तक उन मांगों पर कोई निराकरण नहीं किया गया है। हम लोगों की मांगे जैसी तस बनी हुई है। कहा जरूर गया था कि हम तुरंत ही ये चुनाव से फ्री होते ही सबसे पहले आशा कार्यकर्ताओं की खबर मांगों को प्राथमिकता में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कब तक धरना रहेगा और स्वास्थ्य विभाग पर क्या असर पड़ेगा आपके धरने में? सबसे पहला असर तो पड़ेगा जो कि कोविड की वैक्सीन चल रही है। कोविड की वैक्सीन जब चल रही है, आप देखेंगे कि आज तक फील्ड में कभी आपने पटवारी, सेक्रेटरी और अन्य विभागों को नहीं देखा होगा, लेकिन एक आशा कार्यकर्ता के धरने पे बैठते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक कार्यकर्ता, कर्मचारी, राजस्व का प्रत्येक कार्यकर्ता और कर्मचारी सभी फील्ड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो काम सिर्फ आशा अकेले करती थी। इसके अलावा में हमारा रूटीन वैक्सीन होता है वो भी प्रभावित होगा। हमारे यहाँ पर जो होम संस्थागत डिलीवरी होती है वो भी अब होम डिलीवरी हो रही है काफी जगह। मांगे नहीं मानी जब तक धरने पर रहेंगे आशा कार्यकर्ता? जी हाँ, मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम लोग धरने पर रहेंगे, आगामी नई रणनीति भी अपना सकते हैं, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचल तक ले जाने में। मैं उनके समस्याओं के प्रति गंभीर हूँ। दो तरह के वर्गीकरण हुए हैं उन्होंने जो हमें मांग पत्र दिया है। एक तो वो समस्या है जो स्थानीय स्तर पर हल की जा सकती है। मैंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि उनकी जो स्थानीय समस्या है उनका तत्काल निराकरण किया जाए, जैसे पेमेंट की या मास्क की, सैनिटाइजर की या और स्वास्थ्य संबंधित उपकरण की समस्या, उसे हम स्थानीय स्तर पर अभी तत्काल हल कर रहे हैं। बाकी इनके जो मानदेय बढ़ाने का है और जो नियमित करने का है,
ये निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है, तो मैं अपनी अनुशंसा के साथ इसको प्रदेश सरकार को भेज रहा हूँ। दूसरी उन्होंने एक बात और कही है कि हमारी मांग है भले ही मानी जाए लेकिन विधानसभा हमारा क्वेश्चन तो उठाया जाए, तो कम से कम आवाज तो प्रदेश स्तर पर पहुंचे। जागरूक पत्रकार है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि सरकार का कोई भी मंत्री विधानसभा में सवाल नहीं उठा सकता है।